रुद्रपुर के ट्रांसिट कैंप थाना क्षेत्र में एक युवक की बिजली रिपेयरिंग करने के दौरान करंट से मौत हो गई। घटना से उसके परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बताया जा रहा है कि युवक लाइनमैन के साथ बिजली का काम करता था। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। रुद्रपुर नगर निगम क्षेत्रांतर्गत श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर के ऊपर आजाद नगर जो कि ट्रांजिट कैंप का हिस्सा वार्ड नंबर चार आजाद नगर में विद्युत विभाग के लाइनमैन के अंडर में काम करने वाले व्यक्ति बहुत हैं। उसमें से एक जीतू भाई कोमिल प्रसाद के घर में इलेक्ट्रिसिटी का ऊर्जा का काम करने के लिए गए थे और परिस्थितियां ऐसी हो गई, विद्युत प्रवाह हो गया और विद्युत प्रवाह होने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत दुखद है, जिसके परिवार का जाता है उसको बहुत कष्ट होता है। आप देखिए कैसे लोग रो रहे हैं और तड़प तड़प के रो रहे हैं। आज जीतू इनका भाई चला गया तो वास्तव में इस परिवार को काफी दर्द है और मैं चाहता हूँ किस लापरवाही से उसकी मृत्यु हुई। और जो विद्युत विभाग के लाइनमैन है उनके अंडर में जो काफी टीम काम कर रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, अपना जीवन जोखिम में डालकर आज इनके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए कोई जिम्मेदारी किसी विभाग की तय करनी चाहिए और ऊर्जा विभाग को भी देखना चाहिए कि उनके लाइनमैन के अंडर में काम करने वाला जीतू आज चला गया तो उसके प्रति कम से कम एक संवेदना दिखानी चाहिए, सहानुभूति दिखानी चाहिए। इसमें भी एक मीमो हम लोगों को प्राप्त हुआ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना है। अभी टीम मौके पे गई है हमारी, जो भी इसमें फैक्ट्स आते हैं उसको एग्जामिन करके और उसके बेस पे अग्रिम